शिवपुरी के सिरसौत थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम घुघरीपुरा के परिजनों ने आज एसपी ऑफिस में घेराबंदी की है। आपको बता दें कि परिजनों की बेटी के साथ गैंगरेप का मामला हुआ था, जिसमें अभी तक सभी आरोपी फरार हैं। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है और राजीनामा का दबाव बना रहे हैं, जिसके चलते आज एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई गई है। 11 फरवरी से आज दिनांक तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई है, जिसके चलते आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। वहीं राजीनामा का दावा बना रहे हैं, जिसके चलते पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अभी दो अन्य आरोपी फरार चल रहे हैं। आपको बता दें कि आरोपी मान सिंह रावत भारतीय पार्टी के ग्रामीण मंडल अध्यक्ष है, जो कि दबंग है और लाइसेंस बंदूक रखता है। इसी के चलते थाने द्वारा निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की जा रही है। युवती के परिजनों ने शस्त्र लाइसेंस रद्द करवाने की मांग की है, साथ ही सुरक्षा दिलवाए जाने की मांग भी की है और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी हो ऐसी मांग की है। एडिशनल एसपी प्रवीण कुमार भूरिया ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही अन्य आरोपियों को पकड़ा जाएगा। नाम है तुम्हारा? मेरा नाम जानकी लाल रावत। कहाँ से आए? घुघरीपुरा से। क्या कुछ समस्या लेके आए? 76 की कहानी है हमारे पास और कोई सुनवाई नहीं हो रही। 11 तारीख की हमारी वो है 76 का केस और आज तक कोई सुनवाई नहीं है। 17 तारीख हो गई, इसलिए आज पूरी रात से हम बहुत ज्यादा परेशान है। और मैं दरवाजे से बोली कि साहब ऐसी ऐसी मीटिंग है और उसमें कहा नहीं तो नहीं खूब होने दे, पूरी रात से हमला कर रहे हैं और हमने पूरी रात से सोया नहीं है बिल्कुल। हमला कौन कर रहा है? वो जो 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 जी उन्होंने फिश किया है, वो हमें ऊपर हमला कर रहे हैं। आरोपी है मान सिंह रावत, मंडल अध्यक्ष भाजपा, और गौरव रावत और भानु रावत। उन क्या मामला है? 11 तारीख का 76 का केस किया उन्होंने। किसके साथ? हमारी लड़की के साथ। ठीक है, आपकी बच्ची कितनी साल की? बच्ची हमारी 18 साल की। तो आपने जैसे ये शिकायत उनकी की थी, एफआईआर की हो गई है? एफआईआर हो गई है। 76 की काम ही हो गई है, कोई सुनवाई नहीं हो रही बिल्कुल। 76 की सुनवाई एक बार में हुई थी या के? नहीं, दोबारा हमारे कोर्ट से 166 की धाराओं द्वारा मजिस्ट्रेट साहब के बयान से द्वारा से वो बड़ी है मामला। तब लगी है? हाँ, 76 लगी है। आप धरना प्रदर्शन के चीफ को लेकर धरना प्रदर्शन ये समस्या है कि आज हम पूरी रात से परेशान है। आज 17 तारीख हो गई, 11 तारीख से आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं है कहीं से कहीं तक। और बैंक थाने में जाते हैं तो बस भी वो कोई सुनवाई नहीं करते बिल्कुल। अभी आप बता रहे थे कि कोई दबाव वगैरह? दबाव तो आज पूरी रात से हम सो नहीं है। मैंने यादव साहब को फोन लगाया, संजय को, मीटिंग हो रही है हमारी, कोई वो हो सकती है तो उन्होंने कहीं कोई बात नहीं होने दो कोई, और बिल्कुल कोई हमें सुनवाई नहीं है बिल्कुल। अब आप कहीं से कहीं तक कैसे आए? ये तो हम जाको आए कि हमें जब सुनवाई नहीं होगी तो हमारा मरना है कुछ, कुल मिलाकर मिट्टी का तिलदार के कैसे करके हमें जान हत्या करनी है। मैं तो आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और आपको दबाव कौन के द्वारा बनाया जा रहा है? दबाव दूसरी पर है, वो पार्टी की पार्टी बनाई जा रही है हमारे पर दबाव। तुम पे दबाव क्यों बनाया जा रहा है? राजीनामा करने के लिए रिश्तेदार जोड़ रहे हैं कि धमकी से मतलब और राजीनामा कर ले, कैसे कर ले, मतलब ये हो रहा है हमारी पर अत्याचार, इतना हो रहा है तो बहुत ज्यादा अत्याचार। अगर आप लोगों की जैसे ये मांग है, जैसे आप लोगों की नहीं होती है पूरी, तो हम तो मरना है। मैं तो मांगे पूरी नहीं होंगी तो मर के जाएंगे हम बिल्कुल, मरे बिना पूरा परिवार, मैं परिवार समेत। एक आरोपी को पकड़ा नहीं, उन्हें गिरफ्तार किया के लिए हमारी संतोषी के लिए, थोड़ा दिन में से कोई कांड हो जाए। मतलब हम तो ये चाहते हैं कि हमारी पूरी शिकायत सुनी जाए, मतलब ये चाहते हैं। अभी एक मामला सामने आया जिसमें सिरसौत थाना क्षेत्र अंतर्गत कुछ ग्रामीण धरना प्रदर्शन किए हुए थे, एसपी ऑफिस के पास। क्या कुछ सर ये पूरा मामला? ये सिरसौत थाना क्षेत्र के अंतर्गत पीड़िता के द्वारा लैंगिक शोषण की एक अपराध पंजीबद्ध कराया गया था। धरना प्रदर्शन तो नहीं था, पीड़ित जो परिवार था वो पुलिस अधीक्षक कार्यालय कुछ अपनी मांग लेके आए थे। उनका बातचीत करने पे बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो चूंकि आरोपी नामजद 3 है, उनमें से एक आरोपी का गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष अन्य 2 आरोपियों के लिए एसडीओपी पोहरी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है। टीम अभी वर्तमान में दबिश में है और जल्दी आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। क्या आश्वासन? यही आश्वासन दिया आरोपी को, तत्काल हम पकड़ रहे हैं और पुलिस इसकी कार्रवाई तत्परता से कर भी रही है। कल एक जैसे ही अपराध पंजीबद्ध हुआ था, तत्काल एक आरोपी पकड़ लिया गया था और अभी संभवतः शाम तक सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।